क्या रसलमेनिया 39 में एक शानदार स्टोरी लाइन का हो जाएगा अंत? हेलो गाइस, रसलिंग के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर दें। इस हफ्ते रॉ पर काफी जबरदस्त मैचेस और काफी जबरदस्त सेगमेंट हुई, पर एक ऐसा सेगमेंट हुआ जिसकी फैंस को कल्पना नहीं थी कि ये सेगमेंट भी इस साल मंडे नाइट रॉ में हो सकता है। जी हाँ, मैच था कोडी रोड्स और सोलो सिकवा के बीच, जहां पर सोलो सिकवा का जो अनडिफीटेड स्ट्रीक था वो यहां पर टूट गया और कोडी रोड्स से हार करके सोलो सिकवा ने अपना लगातार चले आ रही अनडिफीटेड स्ट्रीक को इस प्रकार तोड़ा कि फैंस को इस चीज का विश्वास नहीं था कि रसलमेनिया से ठीक पहले रॉ में सोलो सिकवा का इस प्रकार अनडिफीटेड स्ट्रीक तोड़ना क्या ये WWE का ये क्या प्लान ये आगे चलकर हमें पता चल सकता है। पर कोडी रोड्स ने जिस तरीके से सोलो सिकवा को हराया है उससे कोडी रोड्स को रसलमेनिया में जाने का एक बहुत बड़ा मोमेंटम मिल गया है, क्योंकि कोडी रोड्स का जो मैच है वो रोमन रेंज के अगेंस्ट होगा मेन इवेंट ऑफ रसलमेनिया में। सोलो सिकवा पर जीत कोडी रोड्स को एक तरीके से एक ऐसा मोमेंट दिया कि जैसे कोडी रोड्स को बना बनाया कुछ मिल गया होगा। पर ये WWE का ये किस प्रकार का प्लान था ये तो भाई WWE जाने, कि जिस तरीके से सोलो सिकवा का अनडिफीटेड स्ट्रीक तोड़ करके कोडी रोड्स को रोमन रेंज के सामने मजबूत दिखाई देना, हो सकता है WWE का इसमें कोई बहुत बड़ा प्लानिंग किया होगा कि रोमन रेंज और कोडी रोड्स के मैच को ज़्यादा हाइप करने के लिए WWE ने कोडी रोड्स को सोलो सिकवा की तरफ जीत दिला दिया, जिससे कोडी रोड्स को तो एक मोमेंटम मिल गया क्योंकि वो रोमन रेंज के अगेंस्ट जाने वाले हैं। तो जिस हिसाब से ये मैच हुआ, इस मैच को देख करके यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेन इवेंट ऑफ रसलमेनिया का मैच रोमन रेंज और कोडी रोड्स का एक शानदार मैच होने वाला है। पर ब्रॉक लेसनर और ओमोस के बीच का जो सेगमेंट हुआ उसमें काफी बवाल हुआ, जिसमें ब्रॉक लेसनर को पता चल गया कि ओमोस कोई ऐसा वैसा नहीं है, वो एक जॉइंट है। ब्रॉक लेसनर को ओमोस की ताकत का तो अंदाजा हो गया कि ओमोस काफी ताकतवर है। जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर पर ओमोस ने अटैक किया उससे देख करके लग रहा है कि उनके बीच का जो मैच होगा वो काफी जबरदस्त मैच होगा और फैंस को फुल टू एंटरटेनमेंट इस मैच में मिल सकता है। इस साल रसलमेनिया में हमें एक बहुत बड़ा ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलेगा। जी हाँ, इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को लेकर एक ट्रिपल थ्रेट मैच होगा जिसमें गुंथर, सेमस और ड्रू मैकेंटायर हिस्सा लेंगे। इस मैच की खास बात यह है कि इसमें मैकेंटायर और सेमस अभी फिलहाल अच्छी दोस्ती के मूड में दिखाई दे रहे हैं और गुंथर का चैंपियनशिप रन काफी जबरदस्त चल रहा है। अब इस मैच में सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये होगा कि क्या मैकेंटायर सेमस को धोखा देंगे या सेमस मैकेंटायर को धोखा देंगे और इसका फायदा गुंथर किस तरह उठाएगा ये तो भाई हमें मैच से पता चलेगा, क्योंकि सेमस और ड्रू मैकेंटायर के बीच अभी काफी जबरदस्त दोस्ती चल रही है जिसका फायदा हमें गुंथर को मिलता हुआ दिखाई दे सकता है और इस मैच में गुंथर अपने इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को शायद रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि गुंथर तो एक बहुत ही डोमिनेट इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन है। पर असली मजा तो फिन बैलर और एज के मैच में आने वाला है, क्योंकि इस मैच में फिन बैलर अपने डीमन के रूप में होंगे और एज भी अपने सबसे खतरनाक रूप में होंगे। पिछली बार डीमन को अपने मैच में हार मिली थी अगेंस्ट रोमन रेंज के खिलाफ, तो क्या इस बार डीमन एज को हरा पाएंगे? ये सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी कि दोनों के मैच में जीत किसकी होती है, एज की होगी या फिर फिन बैलर की होगी, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि डीमन अभी तक सिर्फ WWE के इतिहास में एक ही मैच हारे हैं और वो मैच हारे हैं अगेंस्ट रोमन रेंज। तो क्या डीमन इस बार रसलमेनिया में वापसी करके सभी को चौंका देंगे, ये हमें रसलमेनिया में ही पता चलेगा।